नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन और साइट पे जो बिल्डिंगें बनती है और भी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। या मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो है ना घर, जो घर होता है रेजिडेंशियल हाउस होता है, तो हाउस होती है ना, उसमें हम सर्कुलर कॉलम क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा बेडरूम होता है उसमें सर्कुलर कॉलम क्यों नहीं प्रोवाइड करते। जो मेन गेट होता है हाउस होती है, आप क्यों सर्कुलर कॉलम नहीं प्रोवाइड करते हैं आप, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक सर्कुलर कॉलम दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम दिख रहा है, तो इसी के बारे में हम दो डिस्कस करेंगे। ये क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं जो हमारे घरें होते हैं, हाउसेज में। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं गाइस, और देखते हैं वीडियो में क्या है, कैसा है। ओके, सो गाइस हम आ गए हैं वीडियो को शुरू करके। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे एक हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम है, एक सर्कुलर कॉलम है। तो हम सर्कुलर कॉलम देखिए, मेरे जो घरों में होती है, देखो इसमें बहुत चीज़ें हैं क्यों सर्कुलर कॉलम को हम प्रोवाइड नहीं। देखिए सर्कुलर कॉलम में यहाँ पे ये देखिए सर्कल है, यहाँ पे सर्कल भी कॉलम है, यहाँ पे सर्कल, और देखने में तो सर्कल का नाम मोर बेटर देन रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके गाइस, तो रीजन एक वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं, देखिए कि इतना कॉर्नर डेवलप कर देता है अपनी घरों में, ऐसे करते हैं तो कॉर्नर, या ये अब ब्रिक वॉल है तो ये ब्रिक वॉल होगा, ये भी ब्रिक वॉल होगा, तो ये इतना जो स्पेस है आपका बच जाएगा, ये भी बैक साइड दोनों साइड एक तरफ से बच जाएगा स्पेस, ये भी स्पेस बच जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए हम आपको बताया जाए, इस स्पेस को मैं मान लीजिए करना हो तो इसको ऐसे करेंगे, आप पुट्टी लगाएंगे जो भी, तो वॉल को थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी गाइस। तो ये प्लास्टर करना, तो इसके रीजन के पीछे बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इसलिए रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करते हैं। और बात करते हैं, जैसे आपका बेडरूम है, बेडरूम में आप बेड रखते हो, बेड कैसे रखोगे, इतना यहाँ पे बेड रखोगे ऐसे करके, या यहाँ बेड रखोगे इतना स्पेस छोड़ के, ये भी यहाँ इतना स्पेस आपका छूट जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है घरों में, आप या वॉल से आप अटैच करके रखते हो तो इतना स्पेस जो है बच जाएगा, ये भी एक रीज़न है। जब आप प्लास्टर, और भी है देखिए, प्लास्टर जब प्रोवाइड करोगे, प्लास्टर से भी आपके कॉर्न डेवलप हो जाएगी सही से, और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा गाइस। ठीक है गाइस, और भी हम बात करते हैं, और देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ देख लिए आपने, चलिए ये बात हुई। अब देखिए हमारे घरों में जैसे डोर प्रोवाइड करते हैं, डोर में हम सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करेंगे तो आप बेड अपना ऐसे रख सकते हो, प्लास्टरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सीधे सीधे ब्रिक वॉल प्रोवाइड कर सकते हो घरों में। और आप जैसे और भी चीज़ें, जैसे आप रेफ्रिजरेटर मान लो कॉर्नर पर रखते हो, या कोई सामान रखना हो, तो ये प्रोवाइड कर प्रॉब्लम, ये स्पेस आपको बच जाएगा, तो इस स्पेस बचने की वजह से आपको यूजेज नहीं हो पाएंगे गाइस, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है गाइस। अब जाकर जैसे हमारा डोर है, ये मान लीजिए डोर का स्पेस है, ठीक है, ये डोर है, ठीक है। अब डोर प्रोवाइड करना है गाइस, तो डोर कैसे प्रोवाइड करोगे, इतना ये जो स्पेस है सर्कुलर का, तो यहाँ पे बच, यहाँ ऐसे प्रोवाइड करोगे डोर, तो यहाँ पे एक गैप बच जाएगा। और आप मान लीजिए डोर क्या करते हो, जैसे डोर आपका वॉल से सटा हो, जैसे इसमें डोर प्रोवाइड करते हो, तो ऐसे करो, ओपन जब करोगे तो वॉल से सट जाएगा, या इधर से करोगे तो इधर से वॉल से आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सट, बट इसमें क्या होगा कि डोर जो है ना आपका ऐसे वॉल से नहीं सटेगा, तो ये प्रोवाइड, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गाइस। और भी बात किया जाए, डोर मान लो करते भी हो तो यह कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, या बहुत सारे हाई प्लास्टर यूज, अलग मटेरियल यूज करके उससे करना पड़ता है, और यहाँ पे आपकी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी गाइस। तो ये डोर की बात आ गई, ठीक है गाइस। जैसे हम विंडो प्रोवाइड करते हो, विंडो प्रोवाइड में, विंडो में क्या होगा, विंडो में यहाँ प्रोवाइड करते हो, मान लो विंडो प्रोवाइड करने के बाद भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है गाइस, विंडो में भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, सीपेज की प्रॉब्लम आ जाएगी, विंडो सही से होगा नहीं, और भी चीज़ें बहुत, जैसे बेड रखने का प्रॉब्लम, आप बेड रखोगे तो बेड सही से आपका यहाँ से नहीं हो पाएगा, और भी चीज़ें हैं। देखिए हमारा जो होता है सर्कुलर कॉलम मोस्टली जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे कॉलेज, आप कॉलेज में प्रोवाइड करते थे बीच में, हाँ सर्कुलर कॉलम, और कहाँ प्रोवाइड करते, जैसे आपकी ये बालकनी है,
सेकंड फ्लो तो वहाँ बीच में या फ्रंट फ्रंटल पे आपको यहाँ पे सर्कुलर कॉलम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉलम अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अब सर्कुलर कॉलम में क्या होता है, सर्कुलर कॉलम में हम 6 बार यूज करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, और इसके बाद ये स्ट्रप प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, स्ट्रप प्रोवाइड करके स्ट्रप प्रोवाइड कर देते हैं। और रेक्टेंगुलर कॉलम में क्या होता है, ऐसे होता है तो 1 बार 2 बार 3 बार एंड 4 बार प्रोवाइड करते, ये भी कास्टली हो जाता है जैसे हमारे घरों में। तो ये चीज़ है गाइस कि सर छोटी सी वीडियो थी वर्क, जैसे हमारी डिजाइनिंग की चीज़ आ गई, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपको समझने के लिए। आपको आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। सो गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।